रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार 12 राशियां बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ 9 ग्रहों का वर्णन किया गया है। बता दें कि सभी राशियों और ग्रहों का हमारे जीवन पर निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल बदलती हैं, वैसा ही असर हमें अपने जीवन पर भी देखने को मिलता है। बता दें कि ग्रहों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली ग्रह भगवान शनि को माना जाता है। शनि ग्रह न्याय के देवता भी कहलाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि जिस व्यक्ति पर भी भगवान शनिदेव की कृपा हो जाए, वह इंसान मालामाल हो जाता है, और जिससे भी शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं तो फिर तो यह राजा को भी रंक बनाने में देरी नहीं करते। शास्त्रों में शनिदेव को लेकर बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका अगर आप सही से पालन करें तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह यह है कि कभी भी जब आप भगवान शनिदेव के दर्शन करने जाते हैं तो कभी भी आपको उनकी आँखों में आँखें डालकर दर्शन नहीं करने चाहिए और हमेशा उनके चरणों के ही दर्शन आपको करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, बता दें कि यह जितने क्रूर हैं उतने ही ज़्यादा शुभ भी माने जाते हैं। जी हाँ, इसी के साथ यदि आप भगवान शनिदेव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं और आप अगर चाहते हैं कि भगवान शनिदेव आपके ऊपर कृपा करें, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप हर शनिवार भगवान शनिदेव जी के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हर सुबह सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ एक बार ज़रूर कर लें। हर शनिवार सुंदर कांड का पाठ भी आप ज़रूर करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन पश्चिम की तरफ मुंह करके सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इससे आपकी कुंडली में शनि से जुड़े हुए सारे दोषों की शांति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शनि देव जितने क्रूर हैं उससे ज़्यादा यह शुभ भी माने जाते हैं। जी हाँ, यह अपने भक्तों पर जमकर कृपा बरसाती हैं और उनकी हर मनोकामना को भी यह पूरा ज़रूर करती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगले 33 सालों तक अब भगवान शनिदेव कुछ राशि वालों की किस्मत चमकाने वाली हैं, जिससे कि अब यह राशि वाले लोग हमेशा के लिए अब मालामाल हो जाएंगे। बता दें कि इनके जीवन में अब ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आइए अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिस पर भगवान शनिदेव अपनी असीम कृपा बरसाने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहली राशि है तुला राशि। जी हाँ, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों के कदम अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों की सारी परेशानियाँ भगवान शनिदेव की कृपा से अब दूर हो जाएंगी और आप जीवन में नई सफलता की और आप अपने जीवन में नई सफलता को हासिल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को इस दौरान परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। आप अपने गुस्से में आकर इस दौरान कोई भी डिसीजन ना लें, नहीं तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वह है मेष राशि। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में
सभी परेशानियां अब दूर होंगी और आपको नई सफलता मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आप दोस्तों विरोधियों से सावधान रहें क्योंकि वह आपका भला नहीं सोचती हैं। परिवार में इस दौरान खुशी का माहौल बना रहेगा। अपनी वाणी पर जितना हो सके आप संयम रखें। वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएं। जहां तक हो सके किसी से भी आप इस दौरान विवाद ना करें। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली राशि है कन्या राशि। जी हाँ, इस राशि के लोगों का समय अब भगवान शनि देव की कृपा से बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आप लोग जो भी कार्य भगवान शनि देव का नाम लेकर शुरू करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता ज़रूर मिलेगी और आपके सभी कष्टों का भी निवारण होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि आप जितना दूसरों की मदद करेंगे जीवन में आपको उतनी ही तेज़ी से तरक्की मिलेगी। भगवान शनि देव की दया दृष्टि आप पर निरंतर बनी रहेगी। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। जी हाँ, भगवान शनि देव की कृपा से आपको इस दौरान सरकारी नौकरी मिलने की संभावना नज़र आ रही है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। आपको किसी खास मित्र से इस दौरान खुशखबरी मिल सकती है। आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। भगवान शनि देव की दया दृष्टि आप पर इस दौरान बनी रहने वाली है। दोस्तों बता दें कि अगली राशि है मकर राशि। जी हाँ, बता दें कि भगवान शनिदेव की दया दृष्टि आपके ऊपर भी लगातार अब बनी रहेगी जिससे आप कोई भी कार्य मन लगाकर करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित तौर पर ज़रूर मिलेगी। आने वाला समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा और आपके जीवन में नई खुशहाली आएगी। इस दौरान आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना नज़र आ रही है क्योंकि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल जल्द ही आपको मिलेगा। आप भगवान पर विश्वास रखें तभी आप सफल हो सकती हैं। इस दौरान आपका मन संशयग्रस्ता बिल्कुल ना करें। भगवान शनिदेव आप पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान हैं। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ, इस राशि के लोगों को रुपया पैसा धन दौलत में इस दौरान खूब तरक्की मिलेगी। आने वाला समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा और आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भगवान शनिदेव आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगे इसीलिए भगवान शनिदेव का स्मरण आप करते रहें। रोजगार के इस दौरान नए अवसर आपको मिलेंगे और आप कोई भी कार्य तन मन लगाकर करेंगे जिसमें आपको सफल होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। किसी से ज़्यादा इस दौरान बहसबाजी आप बिल्कुल ना करें। कोई भी विवाद में आप ना उलझें नहीं तो आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।